हज़ार रुपये पर सब्जेक्ट की एकेटिव सभी सब्जेक्ट के बैग क्लियर करवाए। जी हाँ, एकेटिव बैग क्लियर के लिए कॉन्टैक्ट करें ऑल सब्जेक्ट बी टेक बी फार्मा एम बी ए ऑल ब्रांच के लिए। चलिए करते हैं स्टार्ट, कैसे बैग क्लियर होगी। गाइज ये एक जो है यहाँ पे एक नंबर आपको कॉन्टैक्ट दिख रहा होगा जिनका लास्ट में 17, ठीक है, बाकी का मैं छुपा दे रहा हूँ, लास्ट में आप देख लीजिए आई थी कि नहीं या फिर इस नंबर से आपको मैसेज आया था कि नहीं, ठीक है, लास्ट में इनका कितना है 17 है। बाकी अगर आप लोगों को पर्सनल बात करनी है तो मैं पूरा नंबर भी बता दूंगा कि ये कौन है, ठीक है। तो इन्होंने मैसेज किया था कि बैग क्लियर करवाने के लिए कॉन्टेक्ट करें, तो हमने पूछा बैग क्लियर कैसे होगी, तो ये क्या कह रहे हैं 4000 रुपये इसकी कास्ट है। क्या है? 4000 रुपये पर पेपर कास्ट है, ठीक है। आगे चलो, अब यहाँ पे हमने पूछा प्रोसेस क्या है, तो ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर हैं, क्या कह रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर हैं और जो मार्कशीट बनाते हैं और मार्क्स अपलोड करते हैं वो कंप्यूटर ऑपरेटर है, सबसे सेटिंग है, तो काम की गारंटी 100 नहीं 200% है। भाई का कॉन्फिडेंस देखो, क्या कह रहे हैं, काम की गारंटी है 100 नहीं बल्कि 200% काम की गारंटी है, ठीक है। आगे चलो, हमने प्रोसेस पूछा तो ये क्या कह रहे थे कि रोल नंबर और नेम भेजिए और सब्जेक्ट जिसमें क्लियर करवानी है, ठीक है। आगे सुनो, उसके बाद इन्होंने कहा कि और पेमेंट फ़ोन पे करके स्क्रीन शॉट भेज दो, ठीक है, यानी फ़ोन पे से पेमेंट करना है 4000 रुपये पर सब्जेक्ट और स्क्रीन शॉट भेज दो। हमने पूछा फिर इनसे कि आपने कितने लोगों की क्लियर करवाई है अभी तक, प्रूफ दो, आखिर आप कह रहे हो 4000 रुपये पर सब्जेक्ट और 200% गारंटी ले रहे हो, तो ये आगे क्या कह रहे हैं, रिस्क का काम नहीं करते। अच्छा भाई, आखिर जो बाइक क्लियर करवा रहे हो क्या है, कम रिस्क है, कह रहे हैं इसमें फंसने का डर है। अच्छा, इनको डर भी है। आगे क्या कह रहे हैं कि दो बार ऐसा हुआ है कि फंसते फंसते बचे हैं। चलो भाई ठीक है। फिर आगे हमने कहा अगर कोई प्रूफ नहीं है, अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो फिर हम कैसे समझे कि आपने क्लियर करवाई है, ठीक है। हमने कहा कोई प्रूफ दो, अगर आपको क्लियर करवाना है तो आप प्रूफ दो, ठीक है। तो कह रहे हैं देखो प्रूफ क्या चाहिए, कोई बच्चा का डिटेल्स तो दूंगा नहीं, कह रहे डिटेल तो दूंगा नहीं। तो हमने आखिर पूछा कि कितने लोगों की आपने बैग क्लियर करवाई है बताओ, तो कह रहे हैं अलाउ नहीं है क्योंकि ये रिस्क काम है, और 8 से 10 लोगों की इन्होंने कहा कि हमने करवाई है, ठीक है। अब आगे जो है मैंने इनसे क्या बोला कि भैया आप एकेटीयू के कंप्यूटर ऑपरेटर का नाम बता दो, कि आपने जिससे कह रहे थे कि मेरी एक कंप्यूटर ऑपरेटर से प्रोफेसर सेटिंग है, हमने कहा किसी का नाम बता दो, कम से कम कंप्यूटर ऑपरेटर का नाम बता दो, मैं जानूंगा कि आप सच्चे हो नहीं तो आप फेक हो, ठीक है। अब ये क्या हुआ, हमने इनसे कहा नाम बताओ, लेकिन ये भाई जो हैं नाम बताने को तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने क्या मैसेज किया, किसी और को ढूंढ लो टाइम पास के लिए, यहाँ और भी काम है बकवास के अलावा, ठीक है। बंदे का डायरेक्ट मैसेज ये आया। अब हमने क्या कहा, अरे श्रीमान एकेटीयू का ऑपरेटर, एकेटीयू कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ मैं, तो तुम्हें मेरा नाम नहीं पता, अगर पता है तो बताओ बेटा, बैग क्लियर करवाते फिर रहे। कहने का मतलब ये है मैंने इनसे एकेटीयू का कंप्यूटर ऑपरेटर का नाम पूछा, ठीक है, अब ये नहीं बता पाए। अब आप बताओ अगर इनकी सेटिंग है तो इनको कंप्यूटर ऑपरेटर का नाम या फिर किसी प्रोफेसर का नाम नहीं पता है, अब आप बताओ ऐसे लोगों से आप कैसे बैग क्लियर करवाओगे। अगर इनको, फिर मैंने इनको कहा भी, मैंने क्या मैसेज किया कि तुम कितने लोगों से पैसा ले चुके हो और तुम्हें एकेटीयू के कंप्यूटर ऑपरेटर का नाम ही नहीं पता है, तुम बैग क्लियर करवाते फिर रहे। अब आप बताओ, आपको भी शायद कहीं इस चक्कर में अगर फंसे, आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट का कॉल आई थी, ठीक है, उसका मैंने कॉल रिकॉर्डिंग भी रखा था बट अभी मिल नहीं रहा। उसका 16 से 17 हज़ार रुपये इसी तरीके किसी ने लेके उनका पैसा फंसा दिया है उस स्टूडेंट का, और कह रहा था कि बैग क्लियर करवाऊंगा और अभी तक फ़ोन भी नहीं रिसीव कर रहा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, आपके पास अगर इस तरीके से कोई भी मैसेज आता है वो यही कहेगा कि 4000 रुपये 5000 रुपये 2000 रुपये पर सब्जेक्ट बैग क्लियर करवाऊंगा, और यहाँ तक हो सकता है वो ये भी बोले कि 1000 रुपये अभी दो, 1000 रुपये काम होने के बाद देना, और वो यही कहेगा जैसे मैंने भी दिखाया ना आपको कि 100 से 2% गारंटी भी लेगा, कहेगा प्रूफ इसलिए नहीं देंगे, अगर आप प्रूफ मांगोगे तो यही कहेगा कि प्रूफ इसलिए नहीं देंगे कि रिस्क होता है, इसमें फंसने का डर है, और आपको भी लगेगा यार कि सही कह रहा। अब आप बताओ, मैंने
जब इससे पूछा कि कंप्यूटर ऑपरेटर तुम सेटिंग तुम्हारी, तुम उसका नाम बता दो। नाम नहीं बता पाया। क्यों नहीं बता पाया भाई, आगे तुम्हारी बात से क्या मालूम होता है। तुम डिटेल्स मत दो किसी स्टूडेंट का, मत जिसका तुमने क्लियर करवाया उसका भी नाम मत बताओ, लेकिन जिससे तुम करवा रहे उसका तो नाम तुम्हें पता होना चाहिए। तो मैंने इसे जुगाड़ करके पूछा कि मैं कंप्यूटर ऑपरेटर को जानता हूँ या मैं ही कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, तुम बताओ मेरा नाम क्या है। तो अब बताओ, इस तरीके से मैं आपको बता दूं कम से कम 8-10 लोगों को मैं देख चुका हूं। मैसेज करते हैं ग्रुप में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह पे मिलेंगे। ये कीड़े हैं, ये बीमारी है, इनको पैसा लूटने की ये ट्रिक है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ऐसे चक्करों में मत पड़ना। अगर पैसा दे दिए हो तो ज़रूर कमेंट करना कि आप कितना दिए हो और आपकी हुई है कि नहीं हुई, ये भी बताना। मैं फिर बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता है, ये इम्पॉसिबल है कि पैसा दे के बैग क्लियर करवाओ, ठीक है। हाँ, ग्रेस मांग सकता हूँ, ग्रेस लेके आप क्लियर करवा सकते हो। और फिर बताओ जिनकी एक्चुअल में बैग लगी है और क्लियर करना चाहते हैं, तो केवल और केवल अभी इस टाइम ओनली ओनली वन ऑप्शन है। मैंने वीडियो में बताया भी था, ओनली वन ऑप्शन कौन सा है कि चैलेंज ड्यूरेशन अगर आप डालते हैं आपके नंबर बढ़ेंगे तो फिर आपकी बैग क्लियर हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है ग्रेस ले सकते हो, तीसरा ऑप्शन है स्पेशल कैरियर दे सकते हो, ईयरबैग नहीं लगेगी अगर आप पास आउट हैं तो। लेकिन जो अभी आप, अगर आप पास आउट नहीं है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में आपकी बैक लगी है, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है। या तो अगर आप क्लियर करवाना चाहते हो तो केवल चैलेंज ड्यूरेशन डालने से अगर आपके नंबर बढ़ जाएंगे तभी आपकी बैक क्लियर होगी, एयरबैग नहीं लगेगी। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरा है अगर, हाँ, जैसे मान लो आप बी फार्मा, आपका 2-4 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर कम है तो आप ग्रेस ले सकते हो, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए इन चक्करों में मत पड़ना, कभी भी पैसा दे के बैक क्लियर नहीं होती है। और मेरे पास नंबर भी है, जैसे मैंने बताया इनके लास्ट में 17 है, 717 है, कितना है लास्ट में, 717 है। आप लोग बताना कि आप लोग के पास भी ऐसा कोई मैसेज आया था या फिर आप लोगों ने इस बंदे को कोई पैसा वैसा दिया है कि नहीं दिया है। किसी को दिया तो ज़रूर कमेंट करें। और हाँ, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।